एक बार योगी, दो बार भोगी और तीन बार रोगी। अगर आप करेक्ट। 3 बार खाना खाते हैं तो आप आज रोग नहीं है तो कल होगा जरूर। आप वेट करिए, होने वाला है। तो क्या वाकई डिजीज फ्री लाइफ हो सकती है किसी की? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं डॉक्टर डोगरा साहब नमस्कार। मैं एक बात बोलना नमस्कार। चाहूंगा, जो जो बहुत मिथ हम कैरी करते हैं, क्योंकि मैं इंटरनेशनली भी बहुत काम करता हूँ, कई जगह जी मैं जाता रहता हूँ, विजिट करता रहता हूँ। ये मिथ हम कैरी करते हैं, एज फार एज अगर मैं सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन की बात करूं तो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अगर 4 हॉस्पिटल्स को यूएस से निकाल दिया जाए, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं, जैसे जॉन जॉन हॉपकिंस क्लीवलैंड क्लिनिक और स्टैनफोर्ड का जो मेडिकल कॉलेज है, अगर इन और एक और है, तो चारों को निकाल दिया जाए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसे पंप्ड इन है, तो एक एवरेज हॉस्पिटल जो भारत का है वो वहां के बड़े इंस्टीट्यूशन से बेहतर है। मैं क्योंकि कई लोगों को ये भ्रांति रहती है कि अमेरिका में हॉस्पिटल है तो वो ज्यादा अच्छा है और उनके प्रोसेसेस ज्यादा अच्छे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इवन इफ दैट इज सो, अगर यहाँ पर भी वैसी स्थिति है, यहाँ पे कॉम्पिटेंस लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन उनको भी जो ये सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि एक ही तरीका है कोई ये डिजीज ठीक करने का, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स को ये पढ़ाया जाता है और उनकी बहुत गलती नहीं है कि अगर ये बीमारी है तो ये ठीक करने का तरीका सिर्फ ये ड्रग है। लैटरल थिंकिंग, एक साइंटिस्ट की लैटरल थिंकिंग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, डायबिटीज का ले लें, क्योंकि डायबिटीज इज वेरी कॉमन। डायबिटीज में प्रॉब्लम क्या है, लोग सोचते हैं कि ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है। मैं आपको अभी प्रूव करूंगा कि ना वो ब्लड शुगर का, ना वो ब्लड का प्रॉब्लम है, ना शुगर का प्रॉब्लम है। जब आप शुगर खाएंगे तो बॉडी ऐसे ट्यून्ड है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा। जो कुक्ड फूड है वो भी शुगर है, उसको वो पहले जब बीज फॉर्म में था तो कॉम्प्लेक्स शुगर था, आपने कुक करके उसको सिंपल शुगर कर दिया, तो या तो आप शुगर ले रहे हैं या कुक्ड फूड ले रहे हैं, दोनों में ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो ब्लड शुगर बढ़ गया जब आपने खाना खाया, और इतना हम खा रहे हैं, पेट में महिषासुर घुस गया, हमें हर 2 घंटे पे कुछ अरे चाहिए। हम बेसिकली इस बात के लिए, आप देखें, एक बार योगी, दो बार भोगी और 3 बार रोगी। अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो आप आज रोग नहीं है तो कल होगा जरूर। आप वेट करिए, होने वाला है। इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे 2 ही बार खाना खाना ठीक है, और 2 खाने के बीच में 8 घंटे का गैप देना जरूरी है। मैं ये वेरी बात गुड। इसलिए स्पेसिफाई स्पेसिफाई करके बोल रहा हूं, तो डायबिटीज में जब आप खाना खाएंगे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, जैसे ही शुगर का लेवल बढ़ा पैंक्रिया से इंसुलिन भी निकलेगा, इस इंसुलिन को शुगर को ब्लड से लेके सेल के अंदर डालना है, जो वो कर नहीं पा रहा है। तो प्रॉब्लम ब्लड शुगर का रहा नहीं, तो प्रॉब्लम ब्लड शुगर का नहीं है, प्रॉब्लम था। इंसुलिन रेजिस्टेंस का है, क्योंकि इंसुलिन निकल रहा है और वो काम नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करें, अब हम तीसरा कोई ड्रग ढूंढें कि इंसुलिन को कौन मारेगा, ऐसा बिल्कुल हम ढूंढ चुके हैं, मिला नहीं। तो क्या कर सकते हैं, द बेस्ट इज बॉडी टेक्स 7.5 आवर्स टू मेटाबोलाइज दिस इंसुलिन। तो अगर दूसरा स्पाइक इंसुलिन का अगर 8 घंटे बाद आता है तो बॉडी इज रेडी, ईच एंड एवरी सेल इज रेडी टू टेक द स्पाइक एंड टेक द शुगर एंड एंड पुश इट इनसाइड द सेल। इसलिए अगर 8 घंटे का गैप दी जाए, अब ड्रग पे आते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को मॉडर्न मेडिसिन में, चाहे वो शिकागो का हॉस्पिटल हो चाहे वो चंडीगढ़ का हो,
चाहे वो डेट्रॉइट का हो चाहे वो दिल्ली का हो, अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम इंसुलिन देते हैं। मैं सभी साइंटिफिक कम्युनिटी जो ये सुन रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे वो कोई भी हो, मैं ये पूछना चाहता हूं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंसुलिन से हम ट्रीट कर रहे हैं और फिर भी अपने आप को साइंटिस्ट बोल रहे हैं, फिर भी अपने आप हम अपना कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हैं। जो भी ड्रग कंपनीज हमें पढ़ा रही हैं, हम ये पढ़ ले रहे हैं उसको, वी शुड यूज आवर कॉमन सेंस। तो आप देखिए, हम लोग अपने अस्पताल में बिना कोई ड्रग के 3 दिन के अंदर डायबिटीज की मेडिकेशन भी बंद हो जाती है। वो ऐसे करते हैं कि ये नेचुरल फूड जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर है, बॉडी को टाइम लगता है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में, करीब करीब 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। और आपने अगर कुक्ड फूड लिया तो इमीडिएटली ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, अगर आपने रॉ फूड लिया तो 2-2.5 घंटे में बढ़ेगा। तो और वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, स्पाइक नहीं आएगा, ताकि पैंक्रिया से इंसुलिन का स्पाइक नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप नेचुरल फूड खा रहे हैं तो ब्लड शुगर मेंटेन लेवल पे रहेगा, जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी शुगर की वो स्टोर्ड शुगर से निकालेगी, फैट से निकालेगी। इसलिए लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा तो फैट भी चला गया, मैं तो अच्छा फील कर रहा हूं। एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल की बात मैं करूं, जो है ना इंसुलिन रेजिस्ट कर रहा है उसको सेल के भी जाने नहीं दे रहा शुगर को, शुगर इज आउटसाइड, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। अगर रेजिस्टेंस ना हो शुगर हमारी डाइजेस्ट हो सकते हैं, लेकिन बात घूम रही है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है सर, इट्स वेरी एजुकेटिव, थैंक यू सर। जैसे डॉक्टर साहब ने इंसुलिन का उदाहरण देकर समझाया बात को, ऐसे ही हर रोग के विषय में समझा जा सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू की है डॉक्टर साहब ने, मैं इसका एक और इलेबोरेशन देता हूं। आप सोचिए, जब भी दस्त लगते हैं, लगभग 100 में से 80-90 मामले दस्तों के ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन से नहीं होते हैं। हम अनावश्यक दवाएं खाते हैं दस्त लगने पर, एंटीबायोटिक्स खाते हैं और दवाएं खाते हैं, जबकि सच बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को दस्त लगे हैं तो 80-90% तक के मामले वो होते हैं जो केवल भोजन बंद कर देने से ठीक हो जाते हैं। तो जो डॉक्टर साहब कह रहे थे बात वही है कि जो हमने भोजन खाया, हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि बिगड़ जाने की वजह से जो हमने खाया, खा तो लिया लेकिन उसको अंदर प्रवेश नहीं मिला, आंतों ने उसको ना तो अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश की ना वो हजम हुआ, तो क्या करेगा शरीर? जो शरीर को नहीं चाहिए उसको दो तरह से निकालेगा, तो ऊपर से निकालेगा नीचे से निकालेगा। इधर से खाना खाया, दस्त लग के बाहर निकल गया, हम फिर दवाई भी खाते हैं भोजन भी खाते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूं आमतौर पे कि अगर किसी को दस्त लगे हैं तो सबसे पहले, यदि उसको बहुत तेज मरोड़ नहीं है, ब्लड नहीं है, म्यूकस नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो और इमरजेंसी वाले मामले 65% के ही होते हैं, ज्यादातर मामले बिना इमरजेंसी के होते हैं, और भोजन बंद कर देने भर से 24 से 48 घंटे में व्यक्ति ठीक हो जाता है, जबकि दवा खानी पड़ती है तो 3 दिन तो खानी पड़ती है। तो मैं मेरे रोगियों से पूछता हूं कि आपको दस्त लगे हैं तो 3 दिन आप दवा खाना पसंद करेंगे या 24 घंटे कुछ ना खाना पसंद करेंगे? तो बात यह है कि जो भी ये मुहिम है इसमें बीमारी होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, बीमार हो सकता कोई व्यक्ति, लेकिन उससे डरना, उसके लिए डराना, दवाओं का प्रचार करना वो खतरनाक है। आदमी बीमार पड़े और कैसे ठीक हो सकता है बिना डरे, उसको दवा की आवश्यकता है कि नहीं कौन समझाएगा? जो हम डॉक्टर कम्युनिटी हैं उनका दायित्व तो है कि हम दवा के प्रचार को, दवा के बेचने के काम को रोक करके पहले ये देखें रोग आरोग्य में भोजन का, लाइफस्टाइल का, भोजन ना करने का, क्या खाने का कितना महत्व है। केवल और केवल सिंपल घरेलू जो हमारे पास जो चीजें हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे किचन में जो मसालेदानी है वो अपने आप में प्राइमरी हेल्थ केयर का सबसे बड़ा टूल है। और वो आज इसको सुनील जी इसको थोड़ा सा विस्तार कर दीजिए जी वाला। और सदियों से है, सदियों से है हमारे घर में दादी नानी बड़ी बूढ़ी महिला जो भी होती है उन सबको पता है कि आप सोचिए आप और हम साथ गए हैं हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में जहां 5-5, 10-10 किलोमीटर तक क्रोसिन नहीं मिलती, ऐसे क्षेत्र हैं, तो क्या वहां लोग नहीं रहते? क्या बीमार नहीं पड़ते हो? मरते तो कोई भी नहीं है उसमें से, क्या उनको दस्त नहीं लगते? क्या उनको बुखार नहीं होता? क्रोसिन भी नहीं है उनके पास, तो क्या मर जाते हैं वो? नहीं मरते।
हमको ये समझाया जाता है बीमार हो गए तुरंत डॉक्टर के पास भागो, बीमार हो गए तुरंत दवा की। आप देखिए कितना बड़ा संकट है अपने सेल्फ मेडिकेशन। हर व्यक्ति को पता है पेन की दवाई, हर व्यक्ति को पता है बुखार की दवाई, हर व्यक्ति को पता है दस्त की दवाई, वो जाता है मेडिकल स्टोर दवाई खा लेता है। माने दुनिया भर में 40 लाख लोग सिर्फ अनावश्यक दवाओं के गंभीर दुष्परिणामों से मरते हैं, इतनी बड़ी संख्या है। उस पर कौन ध्यान देगा? मेडिकल फेटर्निटी में जो दवा दवा बनाने का काम, दवा प्रोडक्शन है, एक बिजनेस है, देश की जीडीपी बढ़ती है दवा बिकती है, तो देश की जीडीपी बढ़ती है दारू बिकती है, तो हमने विकास के पैमाने को जीडीपी को जोड़ दिया बीमारियों से। अच्छे बड़े हॉस्पिटल चलेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, दवाई बिकेंगी तो हम और विकसित होंगे। तो कैसा ये मॉडल हमने अपनाया है? नहीं तो क्या वजह है पिछले 50 वर्षों में डॉक्टर बढ़े, दवाइयां बढ़ी, हॉस्पिटल बढ़े, रिसर्च बढ़ी, बीमारी तो घटी नहीं। ये क्या हुआ? बीमारी घटनी चाहिए थी, उल्टा बढ़ गई। इसका मतलब हमारा हमारी दिशा, हमारी गति ठीक नहीं थी। वापस हमें आना पड़ेगा। हम समाज को ठीक करने से पहले व्यक्ति को ठीक करें। एक व्यक्ति ठीक कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति को पता है, समझाया जा सकता है, दवा केवल बहुत आवश्यक होने पर दिया जाए, अन्यथा शरीर को ठीक होने की पावर अंदर रहती है। हमें अपने शरीर के भीतर की पावर पर भरोसा करना चाहिए। और सबसे पहले जीवित शरीर सबसे पहले स्वयं को ठीक करने का प्रयास करता है, उसकी उस क्षमता को जो ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, उस क्षमता पर भरोसा करके उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो व्यक्ति निश्चित रूप से बीमार होगा ही नहीं, और होगा तो बहुत थोड़े संसाधनों से ठीक हो जाएगा। मेडिकल, ये मेडिसिन का इतना बड़ा बर्डन है पूरी दुनिया की जीडीपी पर या समाज पर या पॉकेट पर। आप सोचिए, मतलब दो ही चीजों में खर्च होता है पैसा, या तो दवाइयों में या वकीलों के पास। तो इस पैसे को बचा के हम विकास में, परिवार के विकास में संसाधन जुटाने में कर सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या कहने? सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो डिजीज है इसका कोई अपना एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। ये पहलू है हेल्थ का। हमारी बॉडी को जो सोचते हैं हेल्थ में, जब कोई कमी आती है तो हमें अनरेस्ट महसूस होता है, चाहे पेन हो, चाहे जब हम दस्त की बात कर रहे हैं, वोमिट की बात कर रहे हैं, फीवर की बात कर रहे हैं, खांसी की बात कर रहे हैं। नेचुरोपैथी में हम इसको मानते हैं दिस इज अ हीलिंग क्राइसिस। बॉडी अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है, जहां टॉक्सिन एक्युमुलेशन उसको बाहर फेंक रही है, और हम उसका इलाज करने के लिए नहीं कहते। जुकाम है तो उसका हम इलाज करने को कहते ही नहीं है। यहां से अगर नजला बह रहा है, खांसी आ रही है, बलगम जा रही है, लूज पोशन है, तो पानी लेते रहिए, ORS लेते रहिए, चीनी या घोल लेते, ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी से निकल आ जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, और बॉडी को टाइम देगा तो बॉडी उसको क्योर कर रही है। 2-3 दिन में जुकाम ठीक हो जाता है। अगर बुखार है, इंडिकेट दैट किसी बाहर के बैक्टीरिया ने किसी और चीज यहाँ पे अटैक कर दिया, और बॉडी के पास क्या है कि कोई आउटसाइडर आ गया तो उसको किल करने के लिए अपनी हीट को रेज करती है। अगर टॉलरेबल है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम कहते हैं जी माथे पे पट्टी लगा लो, नेवल जोन के नीचे पट्टी हड्डंडी लगा लो, और उस बुखार को मेंटेन करो, और 2-3 दिन में बिल्कुल आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन हमें पता है हमने वो एंटी एलर्जी गोली लेनी है, जाएंगे लूज मोशन है 2 गोली लेंगे, और जो गंदगी को बॉडी बाहर फेंक रही है उसको हम अंदर ही रहने देते हैं। नेचुरोपैथी का ये कंसिडरेशन है या प्रिंसिपल है, जो बॉडी में गंदगी का इकट्ठा होना ही रोगों का कारण है। और जब बॉडी में गंदगी इकट्ठी होती है, वो चार है, जब मैं किडनी के थ्रू, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, और इसके थ्रू हमारी बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन, ये गंदगी बाहर निकल रही है, तो ये चार एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे काम करते रहे। खाने को मुंह है, मुंह में संयम रखेंगे और ये पूरे ऑर्गन काम करते रहेंगे, पानी लेते रहेंगे, तो आई एम श्योर कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ठीक करने की कुवत है, इतनी पावर है, कर लेते हैं ठीक, लेकिन हम इसको छोड़ते नहीं है। मैंने तभी कहा ना, खाना तभी खाएंगे जब अगर बीमारी है ऐसी, बॉडी को अगर टाइम दे दिया तो बॉडी ने अपने हील कर लेना है। उसमें क्या है? लंगन, उपवास और पानी, यही है। अब देखिए जो पेट एनिमल्स हैं, जो घरों में जाते हैं, वो क्या करते हैं? बुखार हुआ, बीमार हुआ, खाना छोड़ के घास खा के वॉमिट कर रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग, वो कर क्या रहे हैं? उल्टियां करके अपने आप को साफ कर रहे हैं। लेकिन इंसान है, बीमार हो तो खाता तो रह गई, और जितनी उसकी एनर्जी है अंदर, वाइटल फोर्स है, वो डाइजेशन में ही लगी रहती है। अगर हम उसको डाइजेशन से हटा दें तो क्लीन कर देंगे। हाँ जी सर, आजकल तो लोग
उल्टियां लगती है तो गोली, और वो जो yes, वही है। तो गोली सर ऐसे है, चलिए उपेंद्र जी ऐसे है, जब बॉडी जो है ना अनवांटेड मटेरियल को अंदर, जैसे कोई जहरीली चीज खाता है एकदम वॉमिट आता है, बॉडी उसको थ्रो आउट करती है, बॉडी का सिस्टम है अनवांटेड मटेरियल को अंदर जाने नहीं देती। ये जो जुकाम के लिए, और अगर आपको डाइसेंट्री हुई है, आपको पेट खराब हुआ है, अब आप लेटिन जा रहे हैं, तो रोकना नहीं है, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रखने वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो ये पानी है ओआरएस लेते रहो, नहीं ओआरएस नमक और चीनी का घोल बना के, ताकि माइक्रोबियल बाहर निकले, पानी की डिहाइड्रेशन ना हो जाए, वो पानी मिलेगा तो बॉडी साफ हो जाएगी, बॉडी ठीक हो जाती है।